हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के। तो चैप्टर नंबर 3 चला हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग, और आज इसके हमारे पास थर्ड क्लास। पहली दो क्लासेस के अंदर हमने देख लिया था कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हमने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में डिटेल पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड कैटेगरी क्या होती है, इंडिविजुअल ब्रांड नेम याद आ रहा है आपको, फैमिली ब्रांड नेम, कॉर्पोरेट ब्रांड नेम और अल्फा न्यूमेरिक ब्रांड। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि लोगोस और टैगलाइंस का मतलब क्या होता है, और अलग अलग तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होते हैं, और आप कौन कौन से चीज किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आज बच्चों हम बात करने वाले अपने दूसरे मिक्स के बारे में। प्राइस मिक्स में हमारे पास 4 P होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले अपने दूसरे मिक्स की तरफ, दैट इज प्राइस मिक्स की तरफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों बहुत सिंपल वर्जन है, यहाँ पर बात हो रही है प्राइस की। प्राइस का मतलब क्या होता है, वो पैसा, वो वैल्यू जो कस्टमर अपने को देगा प्रोडक्ट के बदले में या सर्विस के बदले में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। आई है ना, ओके। अब मुद्दे की बात बच्चों यहाँ पर ये आती है कि अपन प्राइस कैसे डिसाइड करें। अगर मैं ये पेन बेच रहा हूँ तो उस पेन की प्राइस कितनी है, मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ तो उसकी प्राइस कितनी है, मैं ये रिमोट बेच रहा हूँ तो उसकी प्राइस कितनी होगी, ये कैसे डिसाइड होगी, ये हम इस चीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा है, प्राइस का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो हम प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं, और ये किस पर डिपेंड होती है, प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, सेगमेंट टारगेटेड मतलब कौन से एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब कौन से कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे मतलब वो मार्केट जिसको हमने टारगेट किया वो कितना पैसा दे सकता है, इसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड मतलब ये रॉ मटेरियल कितनी सप्लाई हो रही है और कस्टमर कितना डिमांड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर, इन सब पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस हमको कैसे डिसाइड करनी है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की प्राइजेस होती है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सवाल आता है, सर ये प्राइजेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो बच्चों प्राइजेस इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जरा खुद सोचो, एप्पल का फोन कितना महंगा आता है लेकिन तब भी लोग उसके लिए पागल है, क्यों, क्योंकि एप्पल के फोन लोग जो हो सोशल स्टेटस के लिए लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका सोशल स्टेटस ज्यादा बढ़ जाता है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मेजोरिटी की जो बड़े लोग हैं वो तो एप्पल लेते हैं क्योंकि उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग एप्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको बस शो ऑफ करना है। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन नॉर्मल पीपल एंड डिफरेंट पीपल, कस्टमर्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है, दूसरे कंपटीशन के बीच में डिफरेंशिएट करता है, आपके बीच में एक लाइन क्रिएट करता है कि इस लाइन के अलावा ये यूजर है, इस लाइन के अलावा ये यूजर है। समझ में आ रही चीज, तो ये होता है चीज। तो क्या दे रखा है, प्राइसिंग ऑल्सो कैन यूज बी एज अ डेमार्केशन, डेमार्केशन मतलब डिफरेंशिएट करना, लाइन क्रिएट कर देना कस्टमर्स के बीच में, इस कैटेगरी कस्टमर है, उस कैटेगरी कस्टमर है, टू डिफरेंशिएट एनहेंस द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, कि महंगा प्रोडक्ट है तो या प्रोडक्ट है चीज, ओके। ये एक लाइन जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या दे रखा है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। प्राइस इज द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट अमंग द 4 P's, रेस्ट बीइंग द कॉस्ट सेंटर्स। मतलब ये कि 4 P's होते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें जो प्राइस है बस ये वही ये इकलौते हैं जी चीज है जिससे पैसा आता है, बाकी सब चीजों पर खर्चा होता है, प्रोडक्ट पे खर्चा होता है, प्लेस पे खर्चा होता है, प्रमोशन पे खर्चा होता है, लेकिन प्राइस एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा कमा कर, तो 4 P में प्राइस P है जो पैसा कमा कर दे रहा, बाकी सब P खर्चे करवा ले, इसका नाम क्या पड़ गया, कॉस्ट सेंटर। अब चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से कैसे कौन कौन सी प्राइजेस हम रख सकते हैं। 4 तरीके के प्राइजेस हमारे कोर्स का पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। बच्चों दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म प्राइस भी डिसाइड करने का। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसकी प्राइस कस्टमर को बतानी पड़ती है या बतानी पड़ती है, आप क्या बोलते हो। हाँ भाई, कस्टमर आपके पास आया, अभी कितने का दिया, तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं बनाऊंगा, फिर मैं खर्चा करूंगा, उसके बाद देखूंगा मैं कितने का बेचना होता है, तो कस्टमर लौट जाएगा भाई, कस्टमर को प्राइस बताओ, पैसे देगा खरीद के ले जाएगा। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या बोलता है, एक ऐसी प्राइस जिसमें जो मैन्युफैक्चर होगा वो अपने खर्चे को एस्टिमेट करेगा कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है, उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, और जो प्राइस आएगी वो उसको सेल प्राइस घोषित कर देगा, मतलब डिक्लेयर कर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइस। मतलब कॉस्ट जो भी आएगी, जो भी एस्टिमेशन आएगा कॉस्ट का, उसमें हम प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ेंगे और अपनी क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो क्या देगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरर क्या करता है, चार्ज अ प्राइस, चार्ज कैसे चार्ज करता है, प्राइस टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस रीजनेबल प्रॉफिट।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, क्लियर हो गया? ओके, ये सिंपल मेथड तो है, लेकिन इस चीज से क्या होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जो होती है वो एनकरेज नहीं होती, तो समझ में नहीं। आपने क्या बोला, हमारी प्राइस क्या होगी, जो खर्चा होगा प्लस प्रॉफिट। तो इसमें आप खर्चा कम करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, जो खर्चा होगा प्लस प्रॉफिट, ये बात समझ में। तो यहां पर आप इसका आपका फोकस यहाँ पर ये नहीं है कि आपको, एक सेकेंड कहां से आ गई, हाँ, आपका यहाँ पर ये फोकस नहीं है कि खर्चे कम करो, आपका ये फोकस क्या है, जो खर्चा होगा उस पर प्रॉफिट ले, नहीं चीज। ओके, अच्छा ये किस पर बेस्ड होता है, मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड होता है, क्लियर चीज हो गया? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये एस्टिमेशन होता है वो अलग अलग रीजन से एस्टिमेट होती है। अब जरा एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, कौन कौन से तरीकों से इसमें कॉस्ट डिस्कस करते हैं। जरा देखो, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज अ टिपिकली बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट, हमने डिस्कस कर लिया। एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग टास्क आर मेड फॉर मेनी रीजन। हम इतना एस्टिमेट्स क्यों कर रहे हैं, हम इतना एस्टिमेशन क्यों लगा रहे हैं, जिससे हम यह बता पाए कि हमने जो बड़ा खर्चा किया है, जो मशीन पर खर्चा किया है वो सही था। दूसरी चीज ये, हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा नए प्रोडक्ट्स का, वो बताने के लिए जस्टिफाइबल होना चाहिए। और लास्ट हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा कि हाँ भाई कहाँ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पर कम खर्चा हो रहा है। तो ये इस चीज से हमको पता लग जाता है कि इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी तक आपको सिर्फ यही मतलब में आना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक है? ओके, अब जरा देखो यहां पर एक चीज क्या देखती है, अब एस्टिमेट्स कहां से लगते हैं, एक बार बताओ आप कॉस्ट जो लगा रहे हो उसमें किसका खर्चा लगाओगे? तो नॉर्मल किसका खर्चा लगाओगे आप, मटेरियल, रॉ मटेरियल का, लेबर का और आपके एसेट्स का, किसी का तो लगाओगे, जितने टाइम के लिए वो यूज हो रहे हैं, जितना खर्चा उसमें लग रहा है, वो सब कुछ आप उसमें इंक्लूड करोगे, ये बात समझ। वेरी वेरी गुड, चलो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हाँ जी बच्चों, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों, एग्जाम में सवाल आएगा वो आपसे बोलेंगे बताइए कौन सा मेथड है, उसके दो एडवांटेज बताओ, उसके दो डिसएडवांटेज, बस इतना सवाल आता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बात करते हैं एडवांटेजेस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब इसमें देखो इन्होंने एक सिंपल क्या दे रखा है, इसके अंदर बेस्ट एडवांटेज बताऊं क्या है, बेस्ट एडवांटेज ये है कि अपने को पहले से ही पता है कितना खर्चा आने वाला है बनाने में, प्लस उस पर हम प्रॉफिट डाल दें, मतलब अपने को लॉस होने का चांसेस नहीं, जो खर्चा होने वाला जो प्रॉफिट ऐड कर देंगे अपनी प्राइस डिसाइड हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्यों है, वही जो मैंने मेरे को बताया, खर्चों को ऐड करो उसमें प्रॉफिट को ऐड करो, आपको प्राइस मिल जाएगी। तीसरा उन्होंने क्या दे रखा है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का खुद का डेटा यूज करेंगे, चेक करेंगे कि कहां पर खर्चे बढ़ गए पहले के मुकाबले, कहां पे खर्चे कम हो गए पहले के मुकाबले, जिससे अपन ये देख सकते हैं कहां पर अपने को ध्यान देने की ज्यादा जरूरत। जैसे मान के चलो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तो अपने को पहले से पता था रॉ मटेरियल पर इतना खर्चा आया, बाद में इतना खर्चा आया, तो अपन बाद में दे सकते हैं कि हाँ भाई कहीं अब दूसरे बायर से खरीदे जा सस्ता मिल सके, तो अपन करेक्टिव एक्शन तुरंत ले पाएंगे, क्लियर है चीज? ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, इसकी दिक्कतें क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है, यहाँ पर आपको फ्यूचर डिमांड के बारे में आपने डिसाइड ही नहीं किया, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है बताओ जरा, तो खर्चा कितना आएगा, प्रॉफिट चाहिए। अब यही नहीं देख रहे फ्यूचर में डिमांड आएगी नहीं आएगी, फ्यूचर में प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, कम प्राइस पे बेचे तो ज्यादा बिक जाए, सोचना ही समझना आपने छोड़ दिया। आपने क्या बोला, खर्चा है प्लस वो प्रॉफिट, आपने फ्यूचर डिमांड के बारे में ध्यान ही नहीं। सेकेंड, आपने कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आपने उसके ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं, कॉम्पिटिटर की प्राइस कितने की है ये भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप तो बस ये बोलने जा रहे हो उसकी प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो वो प्राइस चार्ज करूंगा जो मेरा खर्चा हो रहा प्लस मेरा प्रॉफिट। कॉम्पिटिटर का अगर प्राइस कम हुआ तो आप तो बस बोलते रह जाओगे, प्राइस डिसाइड करते रह जाओगे, कस्टमर बोले जाएगा, ये बात समझ में आएगी। तो वही चीज लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे पर अपनी कॉस्ट प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उनकी प्राइस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट, कभी कभी क्या होता है आप इसके अंदर प्राइस ज्यादा चार्ज कर देते हो, ओवर एस्टिमेट कर देते हो प्राइस, किस वजह से, संक कॉस्ट की वजह से। और प्लस इसके अंदर क्या चीज इग्नोर हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर हो जाती है। अब ये क्या मतलब है जरा समझते हैं बच्चों, संक कॉस्ट का मतलब होता है वो पैसा जो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, अब वो पैसा लौट कर नहीं आना, वो पैसे का कोई यूज नहीं है, अब नुकसान हो चुका है या कह लो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है,
अब मैं मशीन लेकर ऑलरेडी आ चुका हूं, मशीन में मेरा पैसा लग चुका है, अब मशीन का मैं कुछ नहीं कर रहा। सामने से मान के चलो कस्टमर आ रहा है और कह रहा है प्रोडक्ट बना दो मेरे लिए 10 रुपए में, ठीक है, और मेरे को बता रॉ मटेरियल बनाने में वो खर्चा आएगा 8 रुपए का, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तब भी मैं मशीन की प्राइस उससे चार्ज करने में लग गया। एक तो कस्टमर घूम फिर के एक आ गया मेरे पास, ऊपर से मैं उससे कह रहा हूँ नहीं मैं मशीन के भी पैसे तो उसे चार्ज करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, मशीन पर जो मेरा पैसा खर्च हुआ था वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, उसका तो कोई यूज भी नहीं था, पिछले 2-3 महीने से कोई कस्टमर नहीं आया था, मशीन खराब पड़ी थी, बेकार पड़ी थी, बंद पड़ी थी। अब एक कस्टमर आया वो कह रहा है 10 रुपये यूनिट प्रोडक्ट बना के दे दो, मेरा खर्चा आ रहा है 8 रुपये, तो मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या मैं कहूँगी नहीं मुझे मशीन की कॉस्ट भी रिकवर करनी है। वहां पर अगर मैं मशीन की कॉस्ट रिकवर करना चालू कर दूंगा तो मुश्किल में आ जाओ, मेरा प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, कस्टमर लौट के चला। संक कॉस्ट मतलब जो पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है जिसका कोई यूज नहीं है उसको इग्नोर करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, जो मौका छूट गया उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो भी कंसिडर करना चाहिए। समझ में आई चीज? ओके, तो ये था बच्चों हमारे पास है कॉस्ट प्लस प्राइस। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कौन सा बच्चों? पेनेट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनेट्रेशन प्राइसिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा है बच्चों, स्टार्टिंग में पैसे हम रखेंगे कम, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे स्टार्टिंग में पैसा क्या रखेंगे हम? कम, जिससे लोगों को अच्छा लगे, लोग को लगे कि आप ये चीज देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, चीज सस्ती भी लग रही है, जरा ट्राई करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो टेस्ट चेक करने के लिए, ट्राई करने के लिए आपके प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं, और फिर बाद में जब आपको आदत लग जाती है प्रोडक्ट की तो धीरे धीरे उस कंपनी क्या करती है उस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाती है। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है जियो। जियो आया था 1 जुलाई 2016, इसने 9 मंथ्स के लिए फ्री कॉलिंग फ्री इंटरनेट दिया था, मतलब 9 महीने के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करोगे आप मोबाइल पर, कम पैसों में फ्री में सब कुछ बांटना चाहिए, ये बात आपको समझ। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाना चालू कर, ये चीज क्लियर हो गया, वही चीज को क्या बोलते हैं पेनेट्रेशन प्राइस। एक बार रिपीट करते हैं, पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट एट अ लोअर प्राइस देन द इवेंचुअल मार्केट प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। मार्केट प्राइस से कम प्राइस चार्ज करते हैं जिससे नए कस्टमर को ला सके। ये स्ट्रेटेजी कब, कौन सी एक्सपेक्टेड, ये स्ट्रेटेजी क्या ध्यान में रख के करी जाती है कि कस्टमर जो है नए ब्रांड पर आ जाएंगे क्योंकि वो सस्ता है। अब लोग जियो पे क्यों गए, क्योंकि जियो फ्री था, सस्ता था, इसलिए लोग एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सबसे शिफ्ट होकर किस पर आ गए, जियो पर आ गए। क्लियर हो गया? ओके, अरे पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्यों करी जाती है, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करी जाती है, कि अपने को मार्केट शेयर बढ़ाना है, या अपने को सेल्स बढ़ानी है, या फिर अपने आप को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है। ना ना, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचती, क्यों, उन्हें 9 महीने प्रॉफिट कमाने के बारे में 1 रुपया नहीं सोचा, उन्होंने कहा आप कस्टमर रहो, बस कस्टमर आते जाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉफिट दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर और इंक्रीजिंग देयर सेल। तो वो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर और प्रॉफिट रादर देन टू मेक प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते, और जैसे ही एक बार मार्केट बढ़ गया इन्हें प्राइस बढ़ाना चालू कर दे। क्लियर हो गया? इन्होंने एक एग्जांपल दिया टूथपेस्ट का, कि कोई टूथपेस्ट है अगर हम किसी गांव में नई टूथपेस्ट पे लेकर जाए तो लोग तो दातुन यूज करते हैं, है ना, या फिर कोई पुराने टूथपेस्ट यूज करते होंगे, आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे सस्ता बेचते हैं, और जब सबको फैमिली हो गया उसको भी ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं बच्चों इसके एडवांटेजेस के, एडवांटेजेस ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहला क्या है, कस्टमर जल्दी आपके पास आता है, जल्दी दूसरी जगह से आता है, टूटता है और आपके प्रोडक्ट को जल्दी करता है, आपका जो मार्केट रेट है, आपके जो शेयर मार्केट शेयर है वो जल्दी से बढ़ता है, और प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स को टाइम नहीं मिलता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, जैसे जियो आया अचानक से फ्री में लॉन्च करके, बाकी सारी कंपनी समझ नहीं पाई क्या हुआ, सारी कंपनियां लॉस में चले गई थी, जो 10-10 हजार करोड़ के प्रॉफिट में चले गई थी वो 5-5 हजार करोड़ के लॉस में चले गई थी, क्योंकि कस्टमर को कॉम्पिटिटर को पता ही नहीं लगा अपन करें क्या, वो तो सस्ते फ्री में दे रहा अपन क्या करें भाई, कहां से लाए पैसा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये जो नए नए लोग उसको अडॉप्ट करते हैं के सामने हमारे पास गुडविल बन जाती है, और जब उनको अच्छा लगता है तो वो आगे प्रमोट करते हैं भाई, वर्ड ऑफ माउथ मतलब ये मुंह से बोल के लोग तारीफ करते हैं आपके प्रोडक्ट की और आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा क्योंकि आप शुरू से ही बोल रहे हो कि प्राइस कम रखना है, आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। जो कॉस्ट प्लस में क्या था, हमारा फोकस क्या है, पैसे कम करने में, खर्चा कम करने में नहीं, अपना फोकस क्या था, जो खर्चा होगा उस पर प्रॉफिट लेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्योंकि अपने को प्राइस कम रखनी है इसलिए अपने को खर्चा भी कम करना पड़ेगा, इस पर फोकस हो।
इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की एंट्री को रोका जाने की कोशिश करी जाती है क्योंकि लो प्राइस है, हमसे सस्ता क्या ही बेच लेगा, ये चीज क्लियर हो गया। इसके अलावा स्टॉक हाई स्टॉक टर्नओवर होता है, मतलब ये ज्यादा सेल होती है, स्टॉक टर्नओवर मतलब सेल ज्यादा होना, आपका सेल ज्यादा होने लग जाता है और प्लस आपका एंथुसियाज्म मेंटेन रहता है, प्रॉफिट होता है, एक्साइटमेंट मेंटेन रहती है कि सेल परचेज ज्यादा हो रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज बच्चों बताऊं क्या है इसका, पहले छोटा वाला डिसएडवांटेज पढ़ता हूँ, कि आप शुरू में प्रॉफिट लो रख रहे हो सकता है कि कंपनी आपके लॉन्ग टाइम तक आप इसको ना चला, क्योंकि तो खर्चे तो आपके पूरे हो रहे होंगे, आप कस्टमर से कम प्राइस ले रहे हो, उसका मतलब कि आपके खर्चे नहीं हो रहे, आपका प्रॉफिट ही कम हो रहा है, आपको प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने में आपको प्रॉब्लम हो। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताऊँ क्या, एग्जाम्पल देता हूँ, एप्पल का फोन आपको 2 लाख का मिलेगा आप खरीदोगे, लेकिन आपको एम आई का फोन 2 लाख का मिलेगा ना आप नहीं खरीदोगे, आपको ओप्पो का फोन 2 लाख का मिलेगा आप नहीं खरीदोगे, भले सेम टू सेम हो, सेम क्वालिटी सेम फीचर सेम सब कुछ, बस उस पर एप्पल लिखा हो उस पर एम आई लिखा हो, आप 2 लाख में एम आई नहीं खरीदोगे, आप 2 लाख में एप्पल खरीदोगे, क्यों, एम आई के फोन के लिए 2 लाख रुपए, एम आई तो सस्ते फोन देता है। मतलब ये अगर आपकी इमेज ये बन गई आपकी प्राइस सस्ती होती है छोटी होती है तो बाद में प्राइस बढ़ाओगे ना कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि तो इसके दिमाग में क्या है, सस्ता प्रोडक्ट बेचते हो, बीएमडब्ल्यू 30 लाख की हो जाए, 1 करोड़ की हो जाए, 2 करोड़ की हो जाए, लोग खरीदेंगे, लेकिन जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं तो 2 करोड़ 3 करोड़ की वो नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, परसेप्शन ही यही है कि सस्ता बेचते हैं वो महंगे प्रीमियम क्लास, समझ में आया, बस वही चीज यहाँ पर आती है, क्लियर ये चीज। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कौन सा पेनिट्रेशन प्राइस। अब तीसरे बारे में बात करते हैं, तीसरा हमारे पास आ रहा है स्किमिंग और क्रीमिंग, स्किमिंग और क्रीमिंग, यहाँ पर क्रीम मतलब क्रीम कस्टमर से बात होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में प्राइस बहुत ज्यादा रखी जाती है, तो स्टार्टिंग में ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल, अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि तो बच्चों ये मेजरली कौन से प्रोडक्ट होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसपे अपना बहुत पैसा ऑलरेडी लग चुका है, इसके रिसर्च में, इसके डेवलपमेंट में, इसकी टेक्नोलॉजी में तो बहुत पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जिससे अपन फटाफट क्या पाए, ब्रेक इवन पर आए, ब्रेक इवन मतलब फटाफट हमारी कॉस्ट सारी रिकवर हो जाए और अपन प्रॉफिट के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दे, क्लियर हो गया। ओके तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्या देखा, इन मोस्ट स्कीमिंग गुड्स आर सोल्ड, हाँ जी, गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइजेस सो दैट फ्यूअर सेल्स आर नीडेड टू ब्रेक इवन, मतलब ये ज्यादा प्राइस पे बेचा जाता है जैसे कम सेल में अपन ब्रेक इवन पर आ जाए, ब्रेक इवन मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाए, प्राइजेस ज्यादा चार्ज होती है, ज्यादा प्रॉफिट होती है तो मजा ही आता है, तो क्या बोलते हैं स्किमिंग मार्केट, क्लियर हो गया। ओके यहाँ पर हम ज्यादा प्राइस क्यों चार्ज करते हैं, जिससे हम क्या रिमबर्स कर सके, जिससे हम क्या रिकवर कर सके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च, जो अपन ने खर्च किया, जो भी रिसर्च पे पैसा खर्च किया, जो भी टेक्नोलॉजी खर्च किया, वो जल्दी से जल्दी हम चार्ज करना चालू करते हैं। ओके अब यहाँ पर किस पर फोकस किया जाता है, अर्ली अडॉप्टर्स पर, ये अर्ली अडॉप्टर्स क्या होता है, जो भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो जो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है अर्ली अडॉप्टर्स। हम लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग क्या होते हैं, अभी मार्केट में आया है, पहले रिव्यूज लेंगे, दो चार लोगों को यूज करने दो, अपन यूट्यूब पर रिव्यू चेक करेंगे, प्राइजेस थोड़े कम होंगे, उसके बाद खरीदेंगे, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं भाई रात को 12 बजे लाइन में लग जाते हैं, अपने वो प्रोडक्ट चाहिए वाला, वो होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। तो मेन जो स्कीमिंग प्राइस होती है इन लोगों को टारगेट कर, बस इनसे फटाफट कह रहे लो पैसा ले लो, क्लियर हो गया। अब ये लोग खरीदने क्यों जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े अमीर होते हैं, इनके पास प्राइस के लेके कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, प्राइस महंगा रहो सस्ता रहो इन्हें कोई मतलब नहीं, इनको प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। ठीक है तो वही बात लिखी हुई है, यहाँ पर मेजरली किस पर फोकस किया जाता है, जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्लियर हो गया। ओके घुमा फिरा के बच्चों यही बात बोली गई है, और उसके बाद जब इनका पूरा प्रॉफिट आ जाता है तो ये धीरे धीरे प्राइस कम करना चालू कर देते हैं, जस्ट लाइक एप्पल, अब एप्पल 15 आ रहा है, 15 आ रहा है तो 15 को और बेचने के लिए 15 की प्राइसेस ज्यादा है, बाकी प्रोडक्ट क्योंकि अब आने हैं तो प्राइसेस कम करके फटाफट उनकी सेल करा देते हैं, तो क्या दे रखा है, और आगे सेल बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, प्राइसेस को कम करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है चीज। हाँ जी अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, पहला एडवांटेज क्या है, आप क्या करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी पे कॉस्ट खर्चा हुआ है वो आप उसको रिकवर कर लेते हो। इसके अलावा ये प्रोडक्ट, ये प्राइसिंग किसके लिए फेमस रहती है,
जिनको क्वालिटी चाहिए, जिनको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, वो क्वालिटी से मतलब है, क्वालिटी अच्छी दो, वो मुंह मांगे प्राइस देने को तैयार है, ऐसे कस्टमर्स के लिए अच्छी प्राइसिंग रहती है। चलिए अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, अगर आपके कॉम्पिटिटर आपके बहुत क्लोज है, जैसे सैमसंग और एप्पल दोनों की क्वालिटी नेक टू नेक चलती है, सैमसंग की सेल ज्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू एप्पल, क्यों, क्योंकि क्वालिटी सेम देते हैं लेकिन सैमसंग उससे कंपेरेटिव कम प्राइस पर सामान देता है, क्लियर, तो वो दे रखा है। स्ट्रेटेजी आपको उल्टी पड़ सकती है, बैक फायर कर सकती है, उल्टा पड़ सकता है अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा हो, वो सस्ते में दे रहा तो वहां पर थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट हिल जाएगा, बिकेगा लेकिन हिल जाएगा। दूसरी चीज ये, जहां पर लीगल रिक्वायरमेंट है, जहां पर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो वहां पे प्राइस स्कीमिंग आप कर ही नहीं, जैसे गांव के एरिया में आप 2-2 लाख के फोन ले जाने जाओ नहीं बिकेंगे, पहली बात तो वहां पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन नहीं होते, जैसे दवाइयां होती कैंसर की दवाई, आप कहो मैं 1 लाख रुपए की दवाई बेचूंगा, नहीं बेच पाओगे, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि जो दवाइयां हैं वो इस लिमिट से ज्यादा की नहीं बेची जा सकती, क्लियर ये चीज, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन इफ अ कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्राइस स्कीमिंग देन कंज्यूमर विल नेवर बाय अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स न्यूली लॉन्च, रादर दे विल वेट फॉर फ्यू मंथ्स एंड बाय एट अ लोअर प्राइस। ये हम जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, अपने को पता है ना iPhone 15 लॉन्च हुआ है तो अपन अब 13 खरीदेंगे आया ना समझ में, तो वही वाली बात यह है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अपने को पता है महंगा बेचेंगे, बाद में सस्ता होगा तो अपन बाद में खरीद लेंगे, अपने को अभी जल्दी नहीं है, तो बस यहाँ पर क्योंकि लोगों को आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया तो इसलिए वो बाद में खरीदेंगे, तुरंत खरीदेंगे ही नहीं, क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों लास्ट हमारे पास प्राइसिंग मेथड आ रहा है, वेरिएबल प्राइसिंग मेथड, ये बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये जिससे जो पट जाए सौदा उतने में बेच दो, क्या बोला मैंने, जिसमें जितने में सौदा पट जाए उतने में बेच दो, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्राइस मेथड। समझ में नहीं आया, अब मान के चलो आप किसी बाजार में गए हो, ठीक है, आपने बोला भैया ये मोबाइल कितने का है, उसने बोला 15,000 का, अरे भैया सही लगा, अरे कोई बात नहीं भैया 14,500, अरे भैया सही लगाओ यार चलो 14,000 दे दे, भैया देखो ऐसा 13,000 दे रहा हूँ, लेना है लो लेना नहीं, और वो क्या बोलेंगे चलो दे, तो आपने 15,000 का फोन कितने पे ले लिया, 13,000 में ले लिया। दूसरा कस्टमर आया, भैया कितने का फोन है, 15,000 का, ये लो 15, उसने बार्गेनिंग करी। कोई तीसरा बंदा आया, भैया कितने का है, भैया 15,000 का 14,000 में दे रहा हूँ, वो पहले कह रहा आपने पहले 1,000 कम कर दिया, वो लेके चला गया, समझ में आया, मतलब ये जहां पर अलग अलग कस्टमर से सेम गुड्स या सेम सर्विस के अलग अलग प्राइस चार्ज हो जाए उससे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्राइस मेथड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार जरा रीड करते हैं, क्या दे रखा है, वेरिएबल प्राइस इज अ मार्केटिंग अप्रोच दैट परमिट डिफरेंट रेट्स टू बी एक्सटेंडेड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विस। सेम गुड है मतलब यही मोबाइल है, कोई 13,000 का ले गया बार्गेनिंग करके, कोई 15,000 में ले गया, कोई 14,000 में ले गया, ये चीज क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हम प्राइजेस तो फिक्स सकते हैं, प्राइजेस तो फिक्स सकते हैं लेकिन कस्टमर तो बार्गेन करता है। अब भाई बात बताओ, मैं ये मार्कर लेने जा रहा हूँ, एक दुकान पर जाऊंगा, कितने का लूंगा मैं, 30 रुपए का लूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे 100 मार्कर चाहिए, बताओ कितने का दोगे, वो बोलेगा भाई साहब 100 × 30 3,000 रुपये, मैंने कहा 2,500 में दे रहे हो, क्यों कह रहे हैं 2,800 में ले जाओ, 2,800 में ले जाओ, तो मतलब ये जहां पर हम लार्ज वॉल्यूम में गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तब वहां पर वेरिएबल प्राइसिंग आ जाती है, ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अगला इन्होंने क्या दे रखा है, बार्गेनिंग वाला स्टैंडर्ड, मतलब वही जब हम छोटे छोटे गुड्स खरीदने जाते हैं, ठेलों पे खरीदने जाते हैं, तो वेंडर खरीदने जाता है तो वो प्रोस्पेक्टिव बायर को देखता है कितने प्राइस चार्ज करेगा, नेगोशिएशन होता है और सेल परचेज होती है, बात करता हूँ। अच्छा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में तो सबसे ज्यादा चलता है, हाँ जी ये प्रॉपर्टी कितने की है भाई साहब, 1 करोड़ की है, देने कितने में सर, 98, हाँ जी कम करो थोड़ा कम करो, अरे वो 97 लाख से कम नहीं कर पाए, अच्छा भैया 90 लाख दे रहा हूँ, ले रहा है दो नहीं लेना, चलो सर 90, तो मतलब ये जो नेगोशिएशन पर बेस्ड होता है, जो आपका बार्गेनिंग पर बेस्ड होता है, वो होता है हमारा क्या, वेरिएबल, क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों ने काफी सारे एग्जांपल दे रखे, जैसे सबसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, हाँ भाई छोटी बोतल छोटे कम दाम में, बड़ी बोतल बड़ी प्राइस में, वही 200 ml की बोतल है 8 रुपए की है, 2 लीटर की है तो 55 रुपए की है, एग्जाम्पल वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात हो रही है। दूसरा चीज ये अलग अलग कस्टमर, जैसे कि हाँ जी अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो फीस ज्यादा, लेकिन दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा आएगा तो प्राइस कम ले ले,
वही ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो पैसा कम ले लेंगे ना, कोई नहीं करेगा। स्कूल फी फॉर सेकेंड चाइल्ड एंड अदर सिबलिंग आर चार्ज एट अ लोअर रेट, क्लियर। अच्छा, जिसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है वो ज्यादा खरीद के ले जाएगा, ज्यादा सस्ते में ले जाएगा। जिसकी बार्गेनिंग पावर कम है वो कम में लेके चले जाएगा। और अलग अलग कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी शॉप गांव में है तो कम प्राइस में बेच पाओगे, आपकी प्राइस जो दुकान है वो शहर में तो ज्यादा प्राइस में बेच पाओगे। जैसे राशन की दुकान होती है, राशन की दुकान गवर्नमेंट चला रही है तो गवर्नमेंट के रेट होते हैं बहुत सस्ते सस्ते, लेकिन प्राइवेट प्राइवेट लगा रहे तो प्राइवेट के रेट लगते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों लास्ट में क्या दे रखा है, वेरिएबल प्राइस के बेनिफिट्स तो बहुत है लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, जो मेजर डिसएडवांटेज का ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट 1,000 का खरीदा है और वही सेम प्रोडक्ट उसी दुकानदार से किसी ने 800 खरीदा है, आज के बाद उस दुकान पर कभी सामान खरीदने नहीं जाओगे। आपको क्या लगेगा उसने आपको, तो बस वही चीज यहाँ पे दे रखा है, आप कस्टमर लूज कर जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया कि किसी और कस्टमर ने उससे कम दाम में खरीदा है तो कस्टमर लौट के चला जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि आप जो डेड स्टॉक पड़ा है, जो बिक ही नहीं रहा है, उसको सस्ते दामों में क्या कर देते हो, निकाल देते हो, जिससे प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो जाए। प्रॉफिट ना हो तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट लगी थी वो ही तो रिकवर हो जाए। तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, या तो कुछ प्रॉफिट हो जाए थोड़ा बहुत, या फिर जो इन्वेस्टमेंट करी थी बस वही निकल कर आ जाए। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा प्राइस मिक्स के बारे में, जिसके अंदर चार तरीके की प्राइस पढ़ी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, खर्चा प्लस प्रॉफिट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सस्ते में बेचेंगे, स्कीमिंग प्राइसेस, क्रीमिंग प्राइसेस ज्यादा में बेचेंगे, वेरिएबल प्राइस मतलब बार्गेनिंग प्राइस। क्लियर? तो चलिए बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।